यहाँ पर जिस वीडियो में होंडा साइन 100cc और होंडा साइन 125cc में जो बाइक्स आते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। आपको 100cc में लेना चाहिए या फिर 125cc में लेना चाहिए, दोनों में कितना अंतर मिल जाता है, प्राइस में कितना अंतर है, कौन कौन से फीचर्स में आपको अंतर मिल जाता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। जिसके बाद आप खुद चूज कर सकते हैं कि आपको साइन 100cc के साथ जाना चाहिए या फिर साइन 125cc के साथ जाना चाहिए। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि सारी जानकारी आपको एक सिंगल वीडियो में देखने को मिल जाएगी, बार बार आपको दूसरी वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। माइलेज क्या मिल जाती है ये भी जानकारी आपको मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। यहाँ पे सबसे पहले बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, यानी कि आपको कौन कौन से कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप साइन 100cc के साथ लेते हैं तो इसमें आपको टोटल 5 कलर ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको ब्लैक के साथ रेड, ब्लैक के साथ ग्रे, ब्लैक के साथ ब्लू, ब्लैक के साथ ग्रीन और ब्लैक के साथ गोल्ड मिल जाता है। तो ये आपको 5 कलर ऑप्शन के साथ मिल जाएगी। लेकिन अगर आप 125cc साइन लेते हैं तो इसमें भी आपको 5 कलर ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको ब्लैक, जेनी ग्रे मेटेलिक, डिसेंट ब्लू मेटेलिक, रेबल रेड मेटेलिक और मैट एक्सिस ग्रे मिल जाता है। तो ये भी 5 कलर ऑप्शन देख सकते हैं। तो दोनों बाइक्स में आपको 5-5 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन जो इनके लुक और डिजाइनिंग है वो वहाँ पे आपको काफी अंतर मिल जाएगा। यहाँ पे आप साइन 100cc के साथ पहले देख सकते हैं, जहाँ पे इसका हेडलैम्प लुक देख सकते हैं, थोड़े से छोटे साइज की आपको इसकी हेडलैम्प मिलती है, जो CD110 आती है कुछ वैसे लुक के साथ मिल जाती है। साइन 125 की तरह तो बिल्कुल नहीं लगती है इसका हेडलैम्प डिजाइनिंग, तो यहाँ पे इसका हेडलैम्प डिजाइन देख सकते हैं और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर लाइट भी आप देख सकते हैं, गोल्डन कलर के साथ मिल जाती है। बाकी साइड से इसका लुक देख सकते हैं, टैंक की डिजाइनिंग थोड़ी सी छोटे साइज की मिल जाती है। यहाँ पे आपको होंडा की बैजिंग मिल जाएगी, ग्राफिक्स देख सकते हैं, साइड में साइन का स्टिकर मिल जाता है, सीट की डिजाइन आप देख सकते हैं और पीछे आपको एक सिल्वर कलर का ग्रे ब्रेल मिल जाएगा। बाकी एग्जॉस्ट सिस्टम आप देख सकते हैं, क्रोम कवर भी लगा हुआ है, साइड से इस लुक के साथ आपको मिल जाएगी। बाकी पीछे इसका टेल लैंप डिजाइनिंग भी आपको बेसिक से लुक के साथ मिल जाती है। तो इस लुक के साथ आपको साइन 100cc मिल जाएगी, लेकिन वही अगर आप 125cc देखते हैं तो इसका आप हेडलैम्प डिजाइन देख सकते हैं, ये 100cc से काफ़ी अलग है, देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा साइज का आपको हेडलैम्प डिजाइनिंग मिल जाता है, जहाँ पे इसके हेड के ऊपर क्रोम का एलिमेंट भी दिया गया है जिससे कि ज़्यादा हाईलाइटेड लुक देती है। यहाँ पे आपको व्हाइट कलर के साथ यानी कि ट्रांसपेरेंट आपको इंडिकेटर लाइट्स मिल जाते हैं। बाकी साइड से भी इसका लुक देख सकते हैं, यहाँ पे टैंक डिजाइन थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी ऊपर उठी हुई मिल जाती है, बड़ी सी आपको टैंक मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे भी आपको होंडा का लोगो मिल जाएगा। साइड में 125 की बेजिंग मिलती है, लेकिन पीछे साइन की बैजिंग दी गई है। वहीं इसके सीट की डिजाइन देख सकते हैं, थोड़ा सा अलग मिल जाता है, ग्राफिक्स भी आपको थोड़ा सा अलग मिल जाएगा, साइड में भी क्रोम के पार्ट दिए गए हैं और एग्जॉस्ट सिस्टम की डिजाइनिंग इसकी देख सकते हैं। वहीं रियर व्यू से इसका टेल लैंप डिजाइन देंगे तो थोड़ा सा बड़ा साइज का आपको टेल लैंप डिजाइनिंग मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं इनके डिजाइनिंग में काफी अंतर है, केवल साइन 100cc नाम रखा गया है लेकिन यहाँ पे डिजाइनिंग में काफी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो लुक वाइज जो आपको बेहतर लगे उसको आप ले सकते हैं। बाकी इंजन पावर की अगर बात करें तो होंडा साइन 100 में 98.98cc का 4-स्ट्रोक SI फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है, लेकिन अगर आप 125cc के साथ लेते हैं तो इसमें आपको 123cc का 4-स्ट्रोक SI फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाती है। तो इनमें लगभग 25cc का आपको अंतर देखने को मिल जाता है, जिसके वजह से साइन 100cc का जो इंजन है 7500 RPM पर 7.38 PS का पावर, जबकि 5000 RPM पर 8.05 NM का टॉर्जन करती है, लेकिन साइन 125 का जो इंजन है 7500 RPM पर 10.7 PS का पावर, जबकि 6000 RPM पर 11 NM का टॉर्जन करती है। साइन जो 100cc आती है इसमें केवल 4 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, लेकिन साइन 125 में 5 स्पीड गियर बॉक्स आपको मिल जाता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा अंतर मिल जाएगा, दोनों में की को सेल्फी स्टार्टर भी दिया गया है। तो इंजन पावर में आपको 25cc में अंतर होने की वजह से यहाँ पे पावर में भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस मिल जाता है। ज़्यादा पावरफुल इंजन के साथ आपको साइन 125cc मिल जाती है। तो अगर आप थोड़े से ज़्यादा भारी चीज़ बाइक पे ले जाना चाहते हैं या फिर आपका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, आपको ज़्यादा पावरफुल इंजन के साथ चाहिए, तो आप साइन 125cc के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको वही थोड़े से कम पावर के साथ भी चलेगा, हल्की बाइक थोड़ी सी चाहिए, तो आप साइन 100cc के साथ जा सकते हैं। वहीं के सस्पेंशन सेटअप की अगर बात करें तो साइन 100 के फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में ट्विन शॉक सस्पेंशन दिया गया है। वहीं जो साइन 125cc आती है इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में हाइड्रोलिक टाइप 5-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाता है। तो सस्पेंशन सेटअप भी थोड़ी सी बेहतर रियर के साइड आपको साइन 125 में देखने को मिल जाती है। वहीं टायर साइज की अगर बात करें, जो टायर लगे हुए उनके बात करें तो 100cc में आपको फ्रंट और रियर में 17-इंच के ट्यूब टायर मिलते हैं, यहाँ पे ट्यूबलेस नहीं मिलता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो साइन 125cc आती है इसके फ्रंट और रियर में 80/100 का 18-इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। तो टायर साइज में भी अंतर है और ट्यूबलेस का भी अंतर है। 100cc में ट्यूब टायर मिलता है और 125cc में ट्यूबलेस टायर मिलता है, तो ये भी आपको अंतर मिल जाएगा। बाकी ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो 100cc में आपको फ्रंट और रियर में ड्रम ब्रेक मिलेगा, इसमें ऑप्शनल डिस्क ब्रेक नहीं दिया गया है, लेकिन वही अगर आप साइन 125cc लेते हैं तो इसके फ्रंट में 240mm का डिस्क ब्रेक और 130mm का ड्रम ब्रेक ऑप्शन मिल जाता है और रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक लगा हुआ है, यानी कि साइन 125cc में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन साइन 100cc में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो ये भी आपको एक अंतर मिल जाता है। बाकी फीचर्स की अगर बात करें तो साइन 100 में आपको CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, जो कि साइन 125 में भी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। साइन 100cc में आपको हैलोजन हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाता है।
जो कि आपको साइन 125 सीसी में भी आपको हाइलोजन हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलेगा। साइन 100 सीसी में एनालॉग मीटर दिया गया है जो कि बेसिक से लुक के साथ मिल जाती है। यहाँ पे इसकी डिजाइनिंग देख सकते हैं। यहाँ पे स्पीड फ्यूल ऑडोमीटर कुछ इंडिकेटर लाइट्स मिल जाते हैं। वहीं अगर आप 125 सीसी में लेते हैं यहाँ पे भी आपको बेसिक सा एनालॉग मीटर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको स्पीड फ्यूल ऑडोमीटर साइड डिस्टेंस सेंसर साइड डिस्टेंस इंडिकेटर ये सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। तो दोनों में आपको बेसिक सा मीटर कंसोल मिलता है। दोनों में साइड डिस्टेंस सेंसर दिया गया है। वहीं जो साइन 125 सीसी आती है इसमें इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप स्विच देखने को मिल जाएगा जो कि 100 सीसी में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो फीचर्स वाइज अगर देखा जाए तो फीचर्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों में आपको एनालॉग मीटर मिल रहा है, हैलोजन हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल रहा है। तो फीचर्स में यहाँ पे ज्यादा आपको अंतर देखने को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन बात करते हैं माइलेज से टॉप स्पीड की, तो कहीं ना कहीं 100 सीसी में आती है साइन तो वहाँ पे आपको ज्यादा माइलेज मिल जाएगा। लगभग 65 से 70 केएमपीएल तक आपको माइलेज मिल जाएगा। लेकिन वही 125 सीसी में साइन लेते हैं तो 60 से 65 केएमपीएल तक आपको माइलेज मिल जाएगा। ट्रैफिक में चलाते हैं थोड़ी सी कम मिलेगी, बाकी अगर आप खुले सड़कों पर जाते हैं तो वहाँ पे आपको माइलेज अच्छी खासी मिल जाएगी। वहीं जो टॉप स्पीड है 100 सीसी के साथ आपको 90 केएमपीएस तक देखने को मिल जाएगी। वहीं 125 सीसी के साथ जाते हैं तो 100 केएमपीएस तक टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है। वहीं ये कुछ डायमेंशंस की अगर बात करें तो साइन 100 का जो लेंथ है 1955 mm, व्हील 754 mm, हाइट 1050 mm, व्हील बेस 1245 mm, ग्राउंड केस 168 mm, सीट हाइट 786 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 9 लीटर और इसका जो कर्व वेट है 99 kg है। वहीं अगर आप 125 सीसी के साथ लेते हैं तो इसका जो लेंथ है 2046 mm, व्हील 737 mm, हाइट 1116 mm, व्हील बेस 1285 mm, ग्राउंड केस 162 mm, सीट हाइट 791 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10.5 लीटर, इसका जो कर्व वेट है 113 kg है। यहाँ पे आपको बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस साइन 100 सीसी में देखने को मिल जाती है। सीट हाइट हालांकि यहाँ पे साइन 100 सीसी का ही कम है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको ज़्यादा 125 सीसी में देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे हल्की आपको काफ़ी हल्की आपको साइन 100 मिल जाती है, मात्र 99 kg है। तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाता है। बाकी मेन बात आती है प्राइसिंग की, कौन सा आपके बजट रेंज के अंदर आ सकती है। होंडा साइन 100 का जो एक्स रूम प्राइस है 64,900 यानी कि 64,900 रुपये तक है और इसकी ऑन रोड प्राइस लगभग 76,900 यानी कि 76,900 रुपये के आसपास देखने को मिल जाती है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग RTO इंश्योरेंस के पैसे लगते हैं तो उसके हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर आप साइन 125 लेते हैं तो इसमें आपको दो वेरिएंट मिल जाता है। अगर ड्रम ब्रेक वायरिंग के साथ लेते हैं तो एक्सएम प्राइस 79,800 यानी कि 79,800 रुपये तक है। डिस्क ब्रेक वायरिंग के साथ 83,800 यानी कि 83,800 रुपये तक एक्सएम प्राइस है। लेकिन इसकी जो ऑन रोड प्राइस है ड्रम ब्रेक वायरिंग के साथ 95,290 यानी कि 95,290 रुपये तक चली जाती है और डिस्क ब्रेक वायरिंग के साथ 99,290 यानी कि 99,280 रुपये तक चली जाती है। तो यहाँ पे इनके एक्सरूम प्राइस में आप डिफरेंस देख सकते हैं। ड्रम ब्रेक वायरिंग से अगर कंपेयर किया जाए तो भी आपको साइन 100 काफी सस्ते मिल जा रही है क्योंकि इसमें ट्यूब टायर मिलता है, इंजन की साइज भी थोड़ी सी कम है, पावर कम देखने को मिल रहा है, रियर का सस्पेंशन भी थोड़ा सा अलग मिल जाता है। तो इन्हीं वजह से आपको साइन 100 सीसी में सस्ती मिल जा रही है। अगर आपका बजट 80,000 के आसपास में है तो ऐसे में आप साइन 100 सीसी के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट 95,000 से लेकर 1,00,000 के बीच में है तो ऐसे में आप साइन 125 के साथ जा सकते हैं। ये डिपेंड आप पे करता है कि आपकी बजट कितना है। लेकिन जितने भी डिफरेंस थे, जितने भी अंतर थे, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब आपके मन में कन्फ्यूजन नहीं होगा कि साइन 100 सीसी के साथ जाना चाहिए या फिर 125 सीसी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इनके लुक में भी काफ़ी डिफरेंस है। साइन के नाम पे मत जाइएगा, आप पहले देख लीजिएगा कौन सा आपको पसंद आ रही है, कौन से आपके हिसाब से सूटेबल है। आप एक बार जाके शोरूम पे भी चेक कर सकते हैं दोनों बाइक्स को, कौन सा आपको बैठकर आराम मिल रहा है वो भी आप चेक कर लीजिएगा, तभी आप बाइक परचेस करिएगा। बाकी इसके अलावा भी आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इन दोनों बाइक्स में से आपको कौन सी ज़्यादा बेहतर लगी, साइन 100 या फिर साइन 125, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।